हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। नवसारी दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से छठा सबसे बड़ा भारतीय राज्य और जनसंख्या के हिसाब से नौवां सबसे बड़ा गुजरात एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध विरासत, जीवंत संस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात भारत में महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के साथ सीमा साझा करता है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मस्थली होने के अलावा शेरों की इस भूमि में कई अन्य छिपे हुए रत्न हैं। गुजरात राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है नवसारी जिला, जो अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं गुजरात के नवसारी जिला के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पूर्व में डांग और तापी, पश्चिम में गल्फ ऑफ खंबात, उत्तर में सूरत और तापी तथा दक्षिण में वलसाड जिला से घिरा हुआ नवसारी जिला का कुल क्षेत्रफल 2211 वर्ग किलोमीटर का है। नवसारी जिले का गठन सन 1997 में वलसाड जिले को विभाजित करके किया गया था। दोस्तों, सड़कों पर चल रही अधिकतर गाड़ियों में अगर आप GJ21 लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि आप नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए हैं। नवसारी जिला का समृद्ध इतिहास रहा है और उत्तरी सूरत जिले और पूर्वी डांग जिले और पश्चिमी अरब सागर में पूर्णा नदी के बीच विकसित हुआ है। पूर्णा नदी नवसारी के विभिन्न गाँवों से होकर गुजरती है। इस नदी की लंबाई 36 किलोमीटर की है। नवसारी जिला गुजरात का प्राचीन और ऐतिहासिक जगह है। समुद्र तल पर होने के कारण गर्मियों में भी यहाँ पर मौसम काफी अच्छा रहता है। नवसारी मुंबई और अहमदाबाद के बीच ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के माध्यम से नवसारी गुजरात के बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है और परिवहन निगम से भी जुड़ा हुआ है। आजादी से पहले नवसारी पुराने वडोदरा राज्य का मुख्य शहर था। 1 मई 1949 से नवसारी को सूरत जिले में शामिल कर लिया गया और 1964 में जून के महीने में सूरत जिले का सुधार किया गया और जिले को वलसाड जिले में शामिल किया गया, जो वर्तमान में 2 अक्टूबर 1997 से नवसारी जिला अस्तित्व में आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार नवसारी जिला की कुल जनसंख्या 13,29,672 है, जो कि इस्टोनिया देश के बराबर है, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 6,78,165 जबकि महिलाओं की जनसंख्या 6,51,507 है। इस हिसाब से नवसारी जिले का पूरे भारतवर्ष में 366वां रैंक है। 2011 की जनगणना के अनुसार नवसारी जिले में हिंदुओं की जनसंख्या 92.13%, इस्लाम की जनसंख्या 5.92%, जैनों की जनसंख्या 1.01%, क्रिश्चियन की जनसंख्या 0.43% और अन्य धर्मों की जनसंख्या 0.51% है। दोस्तों, नवसारी जिले की भाषा गुजराती है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य से नजदीक होने की वजह से यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा मराठी भी बोली जाती है। यहाँ की अन्य भाषाओं में हिंदी भाषा भी शामिल है। नवसारी जिले की साक्षरता दर 84.78% है। दोस्तों, नवसारी जिला अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ पर अरब सागर के किनारे बहुत सारे बीचेस देखने को मिलते हैं। नवसारी जिले के मुख्य नदी पूर्णा है। नवसारी जिले में अंबिका और कावेरी नदियाँ भी बहती है। नवसारी जिले में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जिनमें मुख्य रूप से आशापुरी माता मंदिर नवसारी, वड़ताल धाम नवसारी, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक नवसारी, दांडी बीच नवसारी, ज्यूज बांध नवसारी, दंडक वन आश्रम नवसारी, वंगान जलप्रपात नवसारी, केलिया झील नवसारी, अजामलगढ़ नवसारी, वंसदा नेशनल पार्क नवसारी, गिरा जलप्रपात नवसारी, शुक्लेश्वर महादेव मंदिर नवसारी, गरुण गुफा जलप्रपात नवसारी इत्यादि शामिल है। नवसारी में
कपड़ा, हीरा व्यवसाय, चीनी उद्योग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, कागज इंजीनियरिंग और रसायन कुछ प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र हैं। नवसारी जिला राज्य में चीकू का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में फलों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इस जिले में विशाल गन्ने के खेत हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिले के मरोली और गंडेवी तालुकों में चीनी निर्माण उद्योग एक प्रमुख व्यवसाय है। नवसारी जिले की जलवायु फूलों की खेती की गतिविधियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। गुजरात सरकार ने ज्योति ग्राम योजना के तहत फूलों की खेती की गतिविधियों को कवर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 24 घंटे बिजली की आपूर्ति उपलब्ध रहती है। इस जिले में कई फूलों की खेती पर योजनाएं आ रही हैं, जो कि जिले की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और फूलों के निर्यात में वृद्धि करेगी, जिसकी मांग बढ़ रही है। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार नवसारी जिले का क्राइम रेट 863.45। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।